हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, ये सैमसंग का फ़ोन है दोस्तों, और यदि आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो, अचानक से आपके मोबाइल का जो है टच काम करना बंद कर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन जो है चलते चलते हमारे फ़ोन का जो है अचानक टच काम करना बंद कर देता है। कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो है डिस्प्ले पर ग्राफिक आना बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। यानी अचानक से आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका टच नहीं काम कर रहा है, तो इसको हम रिबूट करना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं या स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम इसको पावर ऑफ करना चाहते हैं या रिबूट करना चाहते हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है इसका जो है टच नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टच नहीं काम कर रहा, तो ना तो यह रिबूट हो रहा है ना ही स्विच ऑफ हो रहा है। तो आपको अपने फ़ोन को किसी भी प्रकार से मतलब एक बार रिबूट करना है। और आपको रिबूट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको जो है वॉल्यूम, यहाँ पे देख लीजिए, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है दोस्तों, लगभग 10 से 5 सेकंड तक। यहाँ पे दोनों बटन को एक साथ आप 10 से 5 सेकंड तक लगातार प्रेस करोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा टाइम हम दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे, देखिए, उसके बाद हमारा फ़ोन जब रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में मान लीजिए जैसे आपका टच नहीं ख़राब हुआ है, डिस्प्ले नहीं ख़राब हुआ है या माइक, स्पीकर, रिंगर नहीं ख़राब हुआ है, तो आपका 100% काम करना शुरू कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है, तो डिस्प्ले काम करना बंद कर देता है, टच काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ अचानक हो गया है, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके ज़रूर देख लीजिए। और अधिकतर दोस्तों उस फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसका जो है डिस्प्ले चेंज हुआ होता है, जिसका फोल्डर चेंज हुआ होता है, उसमें अधिकतर ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो है टच काम करने लगा था दोस्तों, पहले इसका टच नहीं काम करता था। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।